हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी TS7 प्लेयर में हम स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल की सेटिंग कैसे करते हैं। तो जैसे आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कि हम स्टीयरिंग से हम कोई भी कमांड दे रहे हैं तो हमारा डिस्प्ले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जैसे वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो हम इसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले SW लर्निंग में एप्लीकेशन जो होती है उसको ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, ये हुंडई की ग्रैंड i10 गाड़ी है, इसमें हम SW व्हील लर्निंग एप्लीकेशन को ऑन करके फिर सेट करते हैं। जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं फिर इसमें जो इम्पीडेंस हमारा पहले से सेट होता है उसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इम्पीडेंस चेंज करने के बाद हम स्टीयरिंग व्हील से जो हमारा ऑप्शन रहता है उसमें जिस फंक्शन के लिए हम डिस्प्ले से उसको मैच कराते हैं, जैसे वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस म्यूट। अभी हम देखिए, जैसे म्यूट हमने मैच हो गया, वॉल्यूम प्लस हो गया, वॉल्यूम माइनस हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट, प्रीवियस, देन मोड, फिर एंसर की और रिजेक्ट की, जो हमारा कॉल रिसीव करने के लिए और रिजेक्ट करने के लिए होता है, देन सेव किया। ठीक है, तो ये हमारा स्टीयरिंग का जो हमने ऑप्शन था इसको हमने मैच करा लिया और सेट हो गया अब। ठीक है, उसके बाद हमने सेव कर दिया। अब हम यहाँ से रिस्पॉन्ड देखिए कोई कमांड दे रहे हैं, जैसे वॉल्यूम प्लस माइनस म्यूट, ये देखिए अब हमारा डिस्प्ले रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमने जैसे वॉल्यूम प्लस माइनस का हमने चेक कर लिया। अभी हम इसमें देखिए मोड का चेक कर रहे हैं, जैसे मोड हम क्लिक कर रहे हैं हमारा देखिए ब्लूटूथ का भी सेट हो गया। तो इस तरीके से हर एक फंक्शन हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस तरीके से हम स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल की सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।